हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ दिल्ली के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो दिखाने के लिए, और बताएंगे आपको इस वीडियो में कि कितनी इंडियंस की और फॉरेनर की टिकट है। तो मेरे साथ हैं जो आए हुए मेरे मेहमान मेंच थाओ एंड पॉलिन। सो आर यू एक्साइटेड गाइस? वेरी एक्साइटेड। सो मेरा ब्रदर जो आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा था मेरी, तो कल हम गए थे अक्षरधाम मंदिर और इंडिया गेट एंड अगरसेन की बाहुली। तो आज मेरा भाई जा रहा है मेरे साथ दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स है वो देखने, जो कि इतना टाइम दिल्ली में रहा है पर इसने अभी तक वो देखे ही नहीं, कभी से टाइम मिला ही नहीं। तो आप भी एक्साइटेड हो? हाँ, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। कभी दिल्ली में इतना टाइम रहने के बाद आज तक मैं कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में, जो मेन मेन है वो तो देखे हैं मैंने, बट काफी सारे मॉन्यूमेंट्स मैं देख नहीं पाया। जैसे कि आज हम शायद कवर करेंगे लोटस टेंपल या हिमायूं टॉम। हाँ, लोटस टेंपल देखा है मैंने, बट हिमायूं टॉम में जो है वो देखा नहीं है मैंने। देखते हैं कितना डिफरेंट है वो। तो हम दिल्ली में रहने वाले बंदे होने के बाद भी ये सब नहीं देख पाते, तो जब भी मेरा तो ऐसा कि कोई भी बार आता है मेरे को लेके जाना पड़ता है। और जैसे अक्षरधाम देख के आया हूँ मैं 7-8 बार हो गए मेरे को अक्षरधाम देखते देखते। जो भी कोई आता है, मान लो कोई भी हमारा रिलेटिव आता है दिल्ली से बाहर से भी, तो मेरे घर वाले जाओ लेके जाओ इन्हें अक्षरधाम दिखाओ। तो कल मैं क्या हो गया, कल मैं मूवी देख रहा था वहाँ पे अक्षरधाम वाली, तो मैं सो गया। मेरे को इतनी नींद आई कि मैं सो ही गया। तो बाद में जब मैं उठा देखा तो मूवी खत्म हो चुकी थी। तो ठीक है, आज देखते हैं आज कैसा रहता एक्सपीरियंस। फाइनली अब हम पहुंचे हैं हिमायूं टॉम, जो हमारा जो पहली डेस्टिनेशन हमने सोचा था जहाँ जाएंगे वो थी लोटस टेम्पल, बट मंडे के कारण वहाँ पे मंडे ऑफ होता है इसलिए हम नहीं जा पाए। एंड हाउ यू वेंट मेनी प्लेसेस लास्ट टाइम? यस। सो व्हिच वन इज यू स्टिल रिमेंबर? कुतुब मीनार। ओह माय गॉड, कैन यू प्लीज टेल द स्टोरी? लास्ट टाइम वी वेंट कुतुब मीनार, यू फॉरगॉट द की इनसाइड द कार। So we had to wait many hours for your mom with the spare key for the Minar, and the survival of of the fittest to go to the bathroom as well. So that was clean. Yeah, challenge not accepted. But we survived. But Qutb Minar, very nice. Yeah. You like Qutb Minar? Yes, minus the missing. Like which one is your favorite? I think Himayu Tom. Yeah. And Taj Mahal? Yes, very nice as well. Himayu Tom 1565 century में बना था, जिसे complete होने में 7 साल लग गए थे। इस मकबरे में 4 गेट हैं। यह Himayu Tom 40 एकड़ में बना हुआ है। इसमें 2 ही मेन टॉम हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके राइट साइड में ईसा का टॉम बना हुआ है। इस मकबरे में जो स्टोन यूज किया गया है वो राजस्थान और आगरा से लाया गया था। भैया फॉरेनर की कितने की है? 600 रुपए की। अंदर एंटर किया और सबसे बुरी चीज मेरे को जो लगी है यहाँ पे, जो इंडियंस की टिकट है वो 40 रुपए है और जो फॉरेनर की है वो 600 रुपए है। तो दे चार्ज सो मच, और अगर करना भी है तो तुम डबल ले सकते हो या इससे ज्यादा, लाइक 10 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगी। इस टॉम को हिमायूं टॉम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे हिमायूं ने बनवाया था, जो कि बाबर के बेटे थे। जैसे बाबर आए थे हाफ उज़्बेकिस्तान और हाफ मंगोलिया से, जब 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ उस समय बाबर जीत गए थे। जीतने के बाद उन्होंने पूरा दिल्ली रीजन कैप्चर कर लिया था और वह ओल्ड फोर्ट रहने लगे। वहां हिमायूं की डेथ हो गई थी सीढ़ियों से गिरकर, तो उनकी वाइफ ने हिमायूं टॉम को कब्रिस्तान बनाया था। जब आप हिमायूं टॉम की फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हैं तो देखेंगे स्टेयर्स बिल्कुल सीधी हैं। पहले 3 स्टेयर्स की स्टेप नॉर्मल हैं
उनकी वाइफ ने इस उद्देश्य से बनाई थी कि कोई भी टूरिस्ट ऊपर चढ़ता है तो उनका सर झुक जाता है, जिससे हुमायूं को रिस्पेक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही वह जब नीचे उतरते हैं, मक्का मदीना वेस्ट में है तो वहाँ भी रिस्पेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जो ग्रेव देख रहे हैं वो डुप्लीकेट है। मेन ग्रेव बेसमेंट में है जो कि 150 ग्रेव बनी है। आगरा का ताजमहल हुमायूं स्टोन को देखकर ही बनाया गया था। जैसे इस मकबरे में रेड स्टोन का यूज़ किया गया है, ऐसे ही ताजमहल में वाइट स्टोन का किया गया है। तो यहाँ हुमायूं की वाइफ अमीरा ने अपने पति की याद में हुमायूं स्टोन को बनाया था। ऐसे ही शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल को बनवाया था। तो हुमायूं टाउन जो था हमारा टूर था वो पूरा हुआ। और आप सबको, आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया तो मुझे इस जगह के बारे में सुना था, कभी गया नहीं। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, शोइंग मी दिस प्लेस। डू यू लाइक दिस प्लेस? यस यस, वेरी नाइस, इट्स फुल ऑफ रिच हिस्ट्री। यस, गुड टू विजिट। इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।